हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के एग्जाम में अक्सर जो पूछे जाते हैं ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो को हम आगे शुरू करें इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के जो वीडियो है लाते रहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर वगैरह पे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ के बारे में हम जानते हैं। आपको बता दें कि हमारी पुरानी कथाओं में पुराणों का वर्णन किया गया है। पुराण को हम लीजेंड भी कहते हैं। और आपको बता दें कि इससे जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यही बनता है कि पुराणों की रचयिता कौन है, यानी कि पुराणों को सबसे पहले किसने लिखा था। तो आपको बता दें कि पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके जो पुत्र है उग्रसर्वा उनको माना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा हॉट प्रश्न है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगली सवाल देख लेते हैं, वो ये है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको बता दें कि पुराणों की जो कुल संख्या है वो है 18। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये आता है कि सबसे पुराना जो पुराण है यानी कि ओल्डेस्ट लीजेंड कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण। अगली सवाल की तरफ आए तो आपसे पूछा जाता है स्मृति धर्म ग्रंथों में सबसे पुरानी ग्रंथ कौन सी है। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में आ चुका है। आपको बता दें कि आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आप लोग घबराइएगा नहीं, अगर ये जो जितने क्वेश्चन का लिस्ट देख पा रहे हैं इसके अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जान के इसका PDF डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि स्मृति ग्रंथों में सबसे पुरानी जो धर्म ग्रंथ है वो होती है मनुस्मृति। ध्यान रखिएगा, काफ़ी VVI प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नारद स्मृति में किस युग का वर्णन मिलता है। तो आपको बता दें कि नारद स्मृति में गुप्त युग का विवरण मिलता है। अगला सवाल आता है बुद्ध के जो पूर्व जन्म है उसके बारे में कौन से ग्रंथ में कही गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जातक। जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। इसके अलावा ये क्वेश्चन उलट के भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो पुस्तक है वो कौन सी है। तो आपको सही जवाब जातक देना है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कई बार आता है, हीन यान से रिलेटेड आता है। आपको बता दें कि हीन यान एक कथा वस्तु है जिसमें कि भगवान बुद्ध के जीवन का वर्णन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जैन धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो आगम है। अगर हम बात करें कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता किस पुस्तक से चलता है, तो आपको सही जवाब देना है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। अगला सवाल आपसे आता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो आप लोगों को पता होगा अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो चाणक्य थे, और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो चाणक्य थे वो घनानंद के दरबार में रहा करते थे, आप लोगों को पता होगा, और उनका घनानंद ने अपमान किया था। इसके बाद उन्होंने किस तरह से चंद्रगुप्त की मदद की थी जिससे घनानंद हार गया था और चंद्रगुप्त वापस राजा बना था और वहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो ये तमाम तरह के सवाल जो है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल आपको बता दें, नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है रात तरंगिणी की रचना किसने किया था। तो आपको बता दें रात तरंगिणी का जो रचना है कल्हण ने किया था। इसके अलावा ये जो रात तरंगिणी है इसमें आपको बता दें कि
कि कश्मीर के इतिहास का जिक्र है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगला सवाल आपसे पूछा जाता है धर्म ग्रंथों से, चचनामा के लेखक कौन है? तो आपको पता है चचनामा का जो लेखक है वो अली अहमद है। ये जो चचनामा है इस बुक में आपको बता दे कि अरब का जो सिंध पे विजय था उसके बारे में जिक्र है। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाता है पाणिनि। आपको बता दें कि जो अष्टाध्यायी ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल होता है गार्गी संहिता के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाता है कात्यायन। आपको बता दें इस गार्गी संहिता में ज्योतिष विद्या के बारे में जानकारी दी गई। नेक्स्ट सवाल आता है पतंजलि किसके दरबार में थे? तो आपको बता दें पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो ये कुछ सवाल है जो कि आपके धर्म ग्रंथ से रिलेटेड आप होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस बार संभावना है इसका रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आने की, तो आप इन सवालों को ध्यान रख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें एनर्जी मिल सके, आपके लिए हम अगले वीडियो ला सके। अगर दोस्तों कोई अलग टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।